ओके चलो यार आ जाओ, ऑल सेट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.6 ध्यान देना सभी ने। श्री ट्रेडर्स ऑफ गुजरात परचेज 10,000 साड़ीज एट 100 पर साड़ी। ओके कितनी साड़ी परचेज किया उन्होंने? 10,000 100 पर साड़ी के हिसाब से। आउट ऑफ दिस 6,000 साड़ी वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पूछा गया बेटा हम लोगों को, कंसाइनमेंट अकाउंट बोला है और निर्मला ट्रेडर बोला है, किसको भेजा है? कंसाइनमेंट टू निर्मला ट्रेडर्स। कंसाइनी कौन है बताओ तो जरा? कंसाइनी है निर्मला ट्रेडर। कंसाइनी कौन है? निर्मला ट्रेडर्स, यस और नो? एक सेकंड, ये वायर इधर थोड़ा सा कर देता हूं। कंसाइनी निर्मला ट्रेडर है। आ जाओ ध्यान देना सभी। और ये आपका कंसाइनर कौन है? श्री। और कंसाइनी निर्मला ट्रेडर। सब लोग साथ में रहना। आगे देखो और क्या दिया है। द कंसाइनर पेड रुपीज 3,000 फॉर द पैकिंग एंड फ्रेट। निर्मला ट्रेडर सोल्ड 5,000 सारी एट 155। सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है। देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोला है। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, बाकी हमें इंफॉर्मेशन दे दिया। हम लोगों को कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाने बोला है। कंसाइनमेंट और कंसाइन बना सकते हैं क्या? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 9.6 लिखो। मैं पूरी ब्लैंक स्क्रीन लेके आता हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.6। मैडम एक मेरे को मस्त है कि कोई तो बुक दे दो एक बस। हेलो 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 हाँ। सो अब देखो मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ श्री। ये कौन है? कंसाइनर। क्या करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। वाह बोला है कंसाइनमेंट तो बगैर जर्नल एंट्री के कर पाएंगे तभी बोला है। आपको जो बोला है वैसे ही इसमें करना है। सर एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे बट एमसीक्यू उसके बगैर कर पाओगे क्या? नो। एमसीक्यू में आपको पूछ लिया कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस कितना है तो आप ऐसे क्वेश्चन देख के नहीं बता पाओगे प्रॉफिट लॉस। आपको अकाउंट बनाना होगा तो बस वही मैं बना रहा हूं। बराबर है? गिरा 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 गिरा। और दूसरा कौन है बेटा? निर्मला। अच्छा निर्मला दीदी कौन है? कंसाइन। सही ना? सर आपने क्यों बना लिया? अरे क्वेश्चन बोला है कंसाइनमेंट और निर्मला का अकाउंट बना। अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ता हूं, मातृभाषा में कन्वर्ट करता हूं, यहां पोस्टिंग कर देता हूं। राइट चलो आगे। पक्का? सो श्री ट्रेडर्स ऑफ गुजरात परचेज 10,000 साड़ी एट रुपीज 100 पर साड़ी। तो हमने साड़ी परचेज किया। हम कौन है? श्री ट्रेडर। हम कौन है? कंसाइनर। तो हमने साड़ी परचेज किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें कहीं पे भी निर्मला का या कंसाइनमेंट का कोई अकाउंट आया क्या? नहीं। यस और नो? इसमें कहीं पे भी कोई अकाउंट नहीं आया। बोलो इसका पोस्टिंग होगा क्या? बाय द वे इसकी एंट्री क्या होती थी? परचेस। ए राजेश करना इधर ध्यान दे। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? ऑनलाइन वाले बच्चे कभी कभार छूट जाते हैं ना, इसलिए उनको याद दिलाना पड़ता। सो परचेस टू बैंक। इसमें कहीं पे कंसाइनमेंट अकाउंट आया? नॉर्मल धंधे में माल आ गया। नॉर्मल धंधे में माल आ गया। आगे देखो क्या बोला है। आउट ऑफ दिस इसी 10,000 साड़ी में से 6,000 साड़ी वर सेंट ऑन कंसाइन। अब आया वो पहाड़ के नीचे। देखो
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 6000 साड़ी, एक की कॉस्ट 100 रुपए, काय का 60 6 लाख मारो इसको। बरोबर है क्या? डन। अब देखो मैंने एंट्री तो कर दिया, ध्यान देना। आगे बोला है 6000 सारी वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट द सेलिंग प्राइस। ओहो तकलीफ हो गई, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा हमने। क्या बोला यहां पे? 6000 साड़ी कैसे सेंड किया? सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू निर्मला एट सेलिंग प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। मतलब हमने जो माल भेजा ये एट कॉस्ट नहीं भेजा, एट इनवॉइस प्राइस, एट सेलिंग प्राइस भेजा, ताकि कंसाइनी को हमारा रियल प्रॉफिट पता ना चल पाए। मतलब यहां पे ये एंट्री जो आएगी ये कैसी आएगी? एट इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितनी है? सो सॉरी, मैंने सेंटेंस आधा पढ़ के एंट्री पास कर दिया, पूरा पढ़ना चाहिए था। बट क्या मैं आपके प्यार में पढ़ गया और आपको देखते देखते मैंने भी गलती कर दी। कितना आना चाहिए यहां पे? 7,20,000। सो कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना रहे? आगे ब्रैकेट में लिख लो कंसाइनमेंट अकाउंट के आगे ऊपर एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना रहे हो? एट इनवॉइस प्राइस। चालेल माधुरी, काही काळजी करू नको, आज लक्ष दे। कालचा प्रश्न ने लय भंगार होता, काही कामाचा नव्हता, फोड। हा खूप छान आहे, 5 नंबर, चिंता मत करो, 4 वापस ले लूंगा आपका। कल एक ही क्वेश्चन लिया ना हमने, दो लिए? हाँ बोना, एक ही लिया ना, हाँ एक ही लिया, ये बोली मेरे को, ठीक है आ जाओ। सो ध्यान दे दो, सर आपको कैसे समझा कि यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस बनाना है? लिखा है ना आउट ऑफ द सिक्स, आउट ऑफ दिस कॉमा 6000 साड़ी वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू निर्मला ऑफ कोलकाता, आगे लिखा है एट सेलिंग प्राइस। कैसे सेंड किया? एट सेलिंग प्राइस। कैसे सेंड किया? एट सेलिंग प्राइस। कैसे सेंड किया? एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस कितना था बेटा? 120। आगे बोला, अब एक बच्चा यहां पे सोच रहा होगा कि सर आपने हमें बचपन में बताया था कंसाइनमेंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में खर्चे क्रेडिट में इनकम। डेबिट में खर्चा लिख दिया मैंने, बताओ खर्चा मेरा 7,20 है क्या रे? खर्चा कितना था एक्चुअल में? असली खर्चा कितने का था? 6 लाख। और आपने बड़े चढ़ा के लिखा ना, खर्चा कितने का था एक्चुअल में? 6 लाख का था ना, हमने कितना लिखा? खर्चा कितने का था? कितना एक्स्ट्रा लिखा डेबिट में? रिवर्स करो, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर अल्टीमेट तो इफेक्ट सेम ही हुआ। हाँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ब्रो, मतलब सिर्फ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन। हाँ नहीं ना, गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे कैसे बोला अकाउंटिंग करने के लिए एट इनवॉइस प्राइस, इसलिए मैंने इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग की। और जो लोडिंग था ये क्या था? लोडिंग, ये क्या है? लोडिंग, लोडिंग ऑन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, रिवर्स। खर्चा था ना उसके अंदर, खर्चा तो 6 लाख का ही था, कितना एक्स्ट्रा दिख रहा था? 1,20। रिवर्स किया, रिवर्स करना है तो ऑपोजिट में लिखू क्या? क्लियर? क्या बात कर सर, अल्टीमेट इफेक्ट सेम है, मतलब हर बार कॉस्ट पे रहेगा। हाँ इसलिए तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी जो आता है वो माल कौन से इस पे आता है? कॉस्ट पे, जो कंसाइनमेंट के ले गया। किसी को अगर और यहाँ पे कोई इच्छा है कि नहीं सर मैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, वैसे बोला नहीं है तो एक्स्ट्रा लिखना है तो एक्स्ट्रा लिख लो ऐसा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, ये इसका पोस्टिंग कर रहा हूं, बाय कंसाइनमेंट 7,20,000 और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट में टू कंसाइनमेंट। बरोबर है क्या? पोस्टिंग पोस्टिंग बस करके रहो, वैसे बोला नहीं है, बना नहीं बना, हो सकता है एमसीक्यू इसके ऊपर आ जाए गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे, आ सकता है ना।
चलो अभी तक एक एक सेंटेंस पढ़ लिया, ये बगैर बोले आपको करना पड़ेगा लोडिंग रिवर्स करने का काम, बरोबर है। लेकिन कौन से केस में आप रिवर्स करोगे? अगर इनवॉइस प्राइस है तो। आ जाओ आगे। हाँ सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मुन्ना देखो तो, कंसाइनर पेड 3000, आगे क्या लिखा है बेटा? कंसाइनर ने पे कर दिया 3000 पैकिंग एंड फ्रेट। ओके, कंसाइनमेंट टू कैश, पैकिंग का कितना था? 3000, पैकिंग एंड फ्रेट 3000 ही है ना, बराबर है क्या? दूसरा पैक कहां गया होगा? जहां भी कैश अकाउंट बना होगा वहां पे। नेक्स्ट आगे ये हो गया, कंसाइनर पे 3000 ऑन द पैकिंग फ्रेट, निर्मला ट्रेड इज सोल्ड 5000 साड़ी, ये तो डायरेक्टली सेल पे आ गए एट द रेट 125, 5000 साड़ी उसने 125 में बेचा, ओ वाओ, मैंने कितने में बेचने के लिए बोला था? 120 में, उसने कितने में बेचा? मतलब उसने इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर बेचा, तो अच्छी बात है ना मेरे लिए, माल बेचा यानी इनकम है, इनकम है तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, बरोबर। किसने माल बेचा? कंसाइनी ने, कंसाइनी से पैसा लेना है क्या? कंसाइनी अकाउंट बाय कंसाइनी अकाउंट, कितने का माल बेचा उसने? 5000 साड़ी मल्टीप्लाइड बाय 125 रुपए, बता रहे बेटा, ग्रेट डन, सही है क्या? और कंसाइनी के डेबिट में लिख लो टू कंसाइनमेंट, किस चीज का था? सेल, ब्रैकेट में सेल अकाउंट मत बनाना, सही है ना। आगे का सेंटेंस सब लोग साथ में, एंड इनकर्ड 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने, बोला है ना सेलिंग एक्सपेंस है तो कंसाइनी करेगा कि हम लोग यहां से जाएंगे उधर गुजरात में, कंसाइनी ने किया होगा ना, कंसाइनी ने हमारे लिए खर्चा किया, कंसाइनमेंट का डेबिट, कंसाइनी बेचारा हमारा क्रेडिटर बन गया टू कंसाइनी, कितने का खर्चा? एक एक सेंटेंस का सलाम है, एक्सपेंसेस इनकर किसने किया? कंसाइनी ने, एक्सपेंसेस किसने इनकर किया? कंसाइनी ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यो यो, चलो आगे पक्का, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट आगे बोला है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे, एंड रेमिटेड 5 लाख टू द गुजरात ऑन अकाउंट, 5 लाख उसने रेमिट भी कर दिए, मतलब कंसाइनी कितना सुपर फास्ट है, देख रहे हो, कंसाइनी ने हमारे भी आप में माल बेचा, खर्चा किया और 5 लाख रुपए रेमिट भी कर दिया, ले लो क्या कंसाइनी से 5 लाख? कितना? 5 लाख रेमिट किया ना कंसाइनी से, पैसा आ गया बाय बैंक, आगे बरोबर, रेमिट यानी भेजना, जैसे अगर तू मस्ती करेगी तो मैं तुझे यहां से रेमिट कर दूंगा, अरे मजाक था, मैं आप प्यारे बच्चे हो, आप प्यारे से करूंगा आगे, आगे कितनी बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, एच बोतल किसकी है, बोतल किसकी है, आप जिसकी भी बोतल गिरी वो गाना गाएगा, ठीक है? हाँ आ जाओ, सो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। हाँ लता दीदी है क्या हमारी? मैम एक गाना गाना चाहोगे आप? एक तो गाना बनता है, यो निकी मैम एक, मैं पता करना चाहता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या निकिता मैम का गाना सुनना पसंद करोगे? लेक्चर एक गाना, एक मिनट लगेगा, जो भी बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है ना बेटा, आपके आज नसीब है,
आपको हमारे यहाँ की एक मेव लेडी क्वीन निकिता मैम आज गाना सुना। अच्छा निकिता मैम हर साल गाना सुनाएंगे। ओके यस सो निकिता मैम आपको आज गाना सुनाने वाली है। आ जाओ मैम। और मैम ऐसी गाना नहीं सुनाती है, ताली बजाना पड़ता है एक बार। यो हिप हुर्रे आ जाओ मैम। मैम ऐसे अब तो और हिप हुर्रे करना है। हिप हिप हुर्रे मैम जब तक आएंगे आएंगे नहीं, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। फिर देख लो करण सर बोलेंगे। देखो मैम बच्चे भी खुश हो गए। हरीश सर का मेरा फेवरेट गाना देशपासितो। नहीं मेरे को आता नहीं, मेरे को नहीं आता गाना। मैंने तो YouTube पे सुना था आपका गाना। मैं तो क्या मैं गा लूं दो सेकंड में, आप गाना सोचो तब तक मेरा गाना खत्म हो जाएगा। मैम डोरेमोन वाला गाना गाओ, वंश मित्तल बोल रहा है। ये कौन सा गाना है? देखते हैं फिर अभी तक बड़े वही नहीं है वो। डोरेमोन देखने के लिए मोगली वोगली देखते रहता हूँ। मैम इधर से कैसे करेंगे ये लोग? 1 2 3 तालियां। ए नहीं चाहिए मेरे को तालियां। सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, मन मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, मानो मुझको बनाए तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, ओ हम सफर है फिर क्या फिकर है। जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। टना बहुत अच्छा गाया मैम की आवाज। क्या बोले? दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार, हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ। सुरताल मत ढूंढना। पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, खो गया हूँ मैं बाहों में, अब नींद भी नहीं रातों में। कसवटे अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है हाल मेरा, ना जाने ऐसा क्यों बोलता है। मैं तो आया हूँ यहाँ पे बस तेरे लिए। चलो थैंक यू गाइस, आ जाओ। सो हाँ हम लोग कहाँ थे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ ना तो क्वेश्चन नंबर 5 एमुना ध्यान दे, हाँ बहुत काम का क्वेश्चन है, बाद में बोलना मत। 5 के अंदर में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? रेमिटेंस किया था ना उसने 5 लाख का। आ जाओ आगे लिखा है,
they are entitled to commission of 5% on the total sale plus a further 25% commission on any surplus. एक और वर्किंग नोट बनेगी अब. बोलो किस चीज की? कमीशन. कमीशन कितना है बेटा? 5% ऑन टोटल से. एंड आगे क्या बोला है? 25% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज. यो एनी सरप्लस रियलाइज आर ई एल आई जेड ई डी एनी सरप्लस रियलाइज. बोल बेटा क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? हाँ 5% ऑन टोटल सेल. टोटल सेल टोटल सेल टोटल सेल 625,000. लो कैलसी उठाओ फटाफट से करो. और 31,000. वेरी गुड. और सरप्लस कितना है? सरप्लस मैंने कितने में माल बेचने बोला था रे? 120 में. उसने कितने में बेचा? कितना एक्स्ट्रा है? सो उस एक्स्ट्रा का 25% 25% ऑफ सरप्लस. सरप्लस कैसे निकलता है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड. मैंने कितने में बेचने बोला था उसको? बताओ बताओ. मैंने बोला था 120 में बेच. उसने कितने में बेचा? सरप्लस कितना आया? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साड़ी करो ना. 5,000 साड़ी बेची ना. 25,000 का 25% कितना होता है? ये समझ में आएगा सभी को? अरे बाबा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था 120 में बेचना, उसने बेचा 125 में. सरप्लस कितना हुआ? 5 रुपए. कितनी साड़ी बेची? 5,000. कितनी साड़ी बेची उसने? 5,000. एक साड़ी पे 5 रुपए का सरप्लस है. 5,000 साड़ी पे 25,000 का. 25,000 का निकालो 25%. ओ वाओ. बता दो कमीशन कितना आ गया फिर? अब 31,000 500 डन. समझा कमीशन? अंग्रेजी में लिखा था टोटल सेल का 5% और सरप्लस का 25%. सरप्लस टोटल सेल का 5% निकला और सरप्लस कितना था? 120 रुपए में बेचने बोला था, 125 में बेचा. सरप्लस आया 5 रुपए. 5,000 साड़ी इंटू 5 25,000. 25,000 का सरप्लस 25% 6,250. बरोबर. बहुत ज्यादा. अच्छा अभी समझा? कुछ था ही नहीं इसमें तो. इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया. आगे हमें तो लाइन द लाइन ही पढ़ रहे ना. कमीशन कितना हुआ? 37,500. कमीशन किसको देना होता है? कंसाइनी. सो टू कंसाइनी कमीशन. और कंसाइनी के क्रेडिट में लिखो बाय कंसाइनमेंट. लिखा सभी ने? चलो आगे. डन. थैंक यू माधुरी. लिखा बेटा? जंबो क्वेश्चन है एकदम ये. अभी से बाकी है बहुत सारी चीजें. हाँ ये क्वेश्चन महारिविजन क्वेश्चन है, मार्क करके रख लेना. एग्जाम के पहले कंसाइनमेंट टॉपिक रिवाइज करना है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना. आपका 70-80% कंसाइनमेंट रिवाइज हो जाएगा. डन.
ये एक टॉपिक, ये अगर एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो मिनिमम 70-80। अब आपको सिर्फ 70% रिवाइज करना है या 100%, दैट्स योर चॉइस। 100 तो आपको, इसके अलावा बाकी जो बताए तो 140 नहीं होगा। एक 100 रुपए के नोट को जो बार जेब में निकाल के ऊपर डाली तो 200 नहीं होती। अच्छा ये हो गलती, एक बारी में 70% तो दो बार करोगे तो 140 हो जाएगी। आ जाओ, सो लिखा सभी ने कमीशन के बाद। अगला एंट्री क्या है बेटा, देखो आगे बोला इसके अंदर में, कमीशन झाला झाला झाला, कमीशन सरप्लस रियलाइज ओवर 120 हमने कर लिया ना सरप्लस का। 3000 साड़ीज वर सोल्ड एट गुजरात, 3000 साड़ी गुजरात में बेचा। गुजरात मतलब हमारे नॉर्मल धंधे में क्या, तो उसका थोड़ी आएगा कंसाइनमेंट में। कितने में नॉर्मल बिजनेस? अरे पापा देखो, आज तक मैं नॉर्मल बिजनेस इधर लोगों को मेरी दुकान से माल बेचता था, और फिर मैंने सोचा मेरा धंधा और बढ़ाना है तो मैंने कंसाइनिंग ओपन किया, उधर भी माल भेजा, तो ये 3000 जो था मेरे नॉर्मल बिजनेस में मेरी शॉप पे मैंने बेचा, ये कंसाइनमेंट वाला सेल नहीं है, तो यहां पे आएगा क्या? आगे ओइंग टू फॉल इन मार्केट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ द सारी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस बाय 5%। अच्छा यहां पे स्टॉक है क्या साड़ी का कंसाइनी के पास? कोई मुझे बता सकता है? 10,000 साड़ी में से कंसाइनी को भेजा था 6,000 में से उसने कितनी बेची? 5,000। कितनी साड़ी अभी भी उसके पास बची है? 1,000। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, कंसाइनी के पास जो माल पड़ा है ना उसका वैल्यूएशन बनाओ एच शेप फॉर्मेट, याद आया क्या कुछ? एच शेप फॉर्मेट याद आया, देखा था हमने? बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूं। सर आपने 2 कॉलम बनाए अच्छे फॉर्मेट में, हाँ इस बार माल कैसे भेजा? इनवॉइस प्राइस पे, इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाए, कॉस्ट और इनवॉइस, बराबर है क्या? चलो उस क्वेश्चन की स्टोरी इस फॉर्मेट में उतार दो, कैसे याद आए क्या? कंसाइनर से कंसाइनी को बोलो ना माल भेजने तक जो जो खर्चे इनकर के, वो सारे खर्चे माल की कॉस्ट में ऐड, माल मिलने के बाद के खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करना, कंसाइनी को माल मिलने के बाद के खर्चे माल की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, बोला था? आ जाओ ध्यान दे दो, पहले 10,000 सारी परचेस किया वो इसमें नहीं आएगा, कंसाइनमेंट के लिए 6,000 ही भेजा ना, 6,000 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट 100 रुपए, इनवॉइस प्राइस सही बोल रहा हूं बराबर है क्या? कॉस्ट कितना था? 6,00,000, इनवॉइस प्राइस 720। आगे फिर उसके बाद आगे लिखा है कंसाइनर ने खर्चे पे किए, ऐड कर दो माल की कॉस्ट में, खर्चों की वजह से यूनिट बढ़ते हैं क्या रे? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, कितना खर्चा पे किया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। आगे खर्चा था ना, खर्चा 3,000 मैंने पे किया था, 2 कॉलम बनाए। ए डोंट वरी, ये मत सोचना मैंने 3,000 दो बार ऐड किया गया, ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये स्टेटमेंट है, मैं बस आपका वैल्यूएशन कर रहा हूं। कॉस्ट का वैल्यूएशन कितना, इनवॉइस का कितना? सर इनवॉइस प्राइस का क्यों कर रहे, समझ में आ जाएगा अभी। सर आपको कैसे समझा कि यहां 2 कॉलम बनाना है? क्योंकि गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस, इसलिए मैंने इनवॉइस प्राइस वाला कॉलम बनाया, वरना मैं मां का सब नहीं बनाने वाला था, लिखा है ना क्वेश्चन में गुड सेंट एट सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस, इसलिए मैंने ये कॉलम बनाया, बरोबर है। कॉस्ट कितनी थी? 6,00,000, इनवॉइस प्राइस 720। सर फिर एक्सपेंस में भी ऐड करो, एक्सपेंस में लोडिंग नहीं लगता, एक्सपेंस तो हम लोग सेम ही ऐड करेंगे, बरोबर है क्या? अरे बाबा आपने एक टू व्हीलर परचेस किया, 50,000 की टू व्हीलर आपने खरीदी 60,000 में, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना लगाया दुकानदार ने? 20%,
अब उस टू व्हीलर की जब सर्विसिंग करने जाओगे उस पे सर्विसिंग पे लग रहे हैं 1000 रुपए, आप दुकानदार को बोलेगे क्या, नहीं नहीं इस टू व्हीलर पे आपने 20% का प्रॉफिट लगाया था, सर्विसिंग के 1000 हो रहे, तो अब एक काम करो 1200 लो, मैं भी आपको एक्सपेंस के ऊपर 20% लगा के दूंगा। एक्सपेंस पे लोडिंग लगता है क्या? एक्सपेंस उतने रहेंगे जितने एक्चुअल है। आ जाओ आगे, और क्या बोला है, पढ़ो 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 आगे। कंसाइनर पे 3000 ही हो गया। निर्मला सोल्ड 5000 साड़ी। लुको सेल करने के पहले और कुछ निर्मला ने कंसाइनर से कंसाइनी को माल मिलने के बीच का कोई खर्चा इनकर किया है क्या? किया है, सेलिंग एक्सपेंस है बट वो बात का है, माल मिलने के बात का है। स्ट्रेट वे बेचा कितना, डैन तेरन, ये सेल प्राइस यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो बचा कितना, ये है कंसाइनमेंट स्टॉक। ओहो हो, अब बताओ स्टॉक का कॉस्ट और इनवॉइस कैसे आएगा, बता दो बेटा। इतनी कॉस्ट इतने यूनिट की, तो 1000 की कितनी, 6,03,000, ये 6000 यूनिट की कॉस्ट है, तो 1000 यूनिट का कितना, 7,23,000, ये 6000 यूनिट की इनवॉइस प्राइस है, तो 1000 की कितनी, इतने को इतना, तो इतने को कितना। मैंने कंसाइनमेंट स्टॉक का आईपी भी निकाला और कॉस्ट भी निकाला, 1,00,000 और इसका कितना आ रहा है, निकालो 7,23 / 6,000, 7,23 ये 6000 यूनिट का है, तो 1000 का कितना, 1,20,500। वेरी गुड, अब आपके पास कंसाइनमेंट स्टॉक का कॉस्ट भी आ गया और इनवॉइस प्राइस भी आ गई। वेट, कंसाइनमेंट अकाउंट आईपी पे बना रहे हैं कॉस्ट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट आईपी पे बनाया है कॉस्ट पे, तो हम लोग कौन सी भी कर लेंगे इसमें की आईपी, बरोबर आईपी कितना है, 120। ओके, और ये स्टॉक यहां पे आएगा ना कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक एट आईपी, जैसे ऊपर एट आईपी सेंड किया था ना, 120,500। जिस प्रकार से माल भेजा उसका लोडिंग अपोजिट में लिखा, उसी प्रकार से आईपी पे, मतलब इसके ऊपर भी लोडिंग है क्या, ये माल इनवॉइस प्राइस पे, और हम लोगों को स्टॉक कौन से वैल्यू पे लिखना पड़ता है, कंजर्वेटिज्म के हिसाब से एट कॉस्ट। मुझे बताओ आपका जो ये माल है इसकी कॉस्ट है क्या, 1,250? नो, इसमें प्रॉफिट घुसा पड़ा है ना, क्या वो प्रॉफिट कमा लिया आपने अभी तक, कि माल में घुसा पड़ा है, माल में घुसा पड़ा है, अभी तक कमाया क्या आपने? मुझे एक बात बताओ, मैंने कांदे खरीदे 2 रुपए पर किलो, मार्केट उसका रेट हो गया 5 रुपए पर किलो, बोलो मेरा पर किलो फायदा कितना है, 3, बट अभी तक मैंने कमाया किधर, फायदा कांदे में ही घुसा पड़ा है, जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन कमाऊंगा, अभी तक ये माल बेचा तो इसके अंदर का फायदा मैंने कमाया, तो फिर इसके अंदर में लोडिंग क्यों घुसा पड़ा है, रिवर्स करो उसको, जिस प्रकार से ऊपर हमने लोडिंग रिवर्स किया इसका भी लोडिंग रिवर्स करो, और उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ये क्या है, लोडिंग ऑन लोडिंग मार्जिन मार्कअप ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक। सर कैसे निकलेगा लोडिंग, इनवॉइस माइनस कॉस्ट निकालो, ये देखो अब आया ये वर्किंग नोट काम में, ये देख, देयरफॉर लोडिंग ऑन स्टॉक, या इसी को प्यार से बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, कैसे आएगा, आईपी ऑफ द स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, बोल कितना है बेटा, दैट्स इट, बरोबर है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। स्टॉक में प्रॉफिट घुसा पड़ा है अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, स्टॉक में प्रॉफिट घुसा पड़ा है, समझ में आया, दो कॉलम क्यों बनाए, क्योंकि अगर दो कॉलम नहीं बनाता तो ये आईपी माइनस कॉस्ट कैसे करता, तो इसलिए कॉस्ट का कॉलम आईपी का कॉलम दोनों बनाया। क्या बोले बेटा, रिलैक्स करो, डन हो जाएगा। चलो ध्यान देना, यहां लिख दूं
20,000. That's it, game over. Game over. निकालो बेटा कंसाइनमेंट का फायदा नुकसान. कंसाइनी से नेट लेना देना कितना है, बैलेंस निकालो. बैलेंसिंग फिगर बताओ उसका, पांच और ये कितना हो गया, 37,500 प्लस वन. निकालो बेटा बैलेंसिंग फिगर. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस कहां जाता है, ये माल कहां से आया था, ट्रेडिंग से. सो टू ट्रेडिंग. बैलेंसिंग फिगर हमेशा याद रखना जिंदगी भर. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में माल किधर से आया, नॉर्मल धंधे के गोडाउन से आया ना, मेरा जो नॉर्मल बिजनेस है. सो मेरे नॉर्मल बिजनेस से माल बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया. कम हो गया तो टू ट्रेडिंग, देखो चेक करो टू ट्रेडिंग आ गया क्या. राइट, क्लियर. हमेशा ध्यान रखना गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, ट्रेडिंग में. चलो ये एक अकाउंट क्लोज, इसका बैलेंसिंग फिगर पैसा ले लो इससे जो भी लेना है. बैलेंसिंग फिगर, हाँ, टू जनरल P&L अकाउंट और टू P&L बैलेंसिंग फिगर. क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा इसलिए फायदा कितना आया, 865 हो, और बैलेंसिंग फिगर बताया, हाँ, वेरी गुड. ये है आपका आंसर. देन खत्म. इसका बैलेंसिंग फिगर आता है कितना आ रहा है कंसाइनी का, 86,500. लिख लो सबके बैलेंसिंग फिगर. गेम ओवर. कैसा लगा क्वेश्चन, पूरे टॉपिक के 70-80% कॉन्सेप्ट को ये कवर अप करता है बेटा. एक बच्चे ने बोला सर वापस बता दो. जी हाँ मैम बिल्कुल मैं बताऊंगा, आ जाओ वापस. ध्यान दे आखिरी में क्या किया, सारे अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. पहला अकाउंट निकालो, कंसाइनी का कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब इनकम साइड ज्यादा है मतलब क्या आएगा प्रॉफिट, ट्रांसफर कर दो टू P&L अकाउंट. कंसाइनमेंट का समझा, कंसाइनी का बैलेंसिंग फिगर, कंसाइनी की डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, बैलेंसिंग फिगर आ रहा था क्रेडिट में मतलब डेबिट बैलेंस है, कंसाइनी से लेना है तो ले लिया बाय बैंक. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर, गुड्स ये क्या है बेटा, कंसाइनमेंट के लिए माल भेजा तो कहां से आया होगा माल, ट्रेडिंग से. सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जो भी कुछ आता जाता है सब कहां से, ट्रेडिंग से. बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग में, बरोबर, क्लियर, ओके. जान दो जान, कुछ नहीं होता, बरोबर है. ये लिखा सभी ने, सारी वर्किंग नोट लिख ली इधर की भी, कमीशन का भी लिखा, हाँ बेटा लिख लो. और ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का भी लिखा, दोनों वर्किंग नोट एक साथ दिखा दूं क्या, ये लो. डन, हाँ बेटा स्टॉक रिजर्व का भी बता दो प्रिया, दो सेकेंड. सर प्रॉफिट वाला एक बार समझाओ, प्रॉफिट वाला ही बताया, प्रॉफिट वाला समझाने का क्या, कंसाइनमेंट का बैलेंसिंग फिगर, कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा इसीलिए प्रॉफिट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा होती एक्सपेंस वाली तो क्या आता लॉस, बरोबर. स्टॉक रिजर्व वाला बता दू, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन किया मैंने, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन किया, इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग चल रहा था इसलिए इनवॉइस प्राइस लिखा कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, इस इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट घुसा पड़ा है, लोडिंग घुसा पड़ा है, कितना लोडिंग है कितना प्रॉफिट है वो निकाला, आईपी माइनस कॉस्ट, आईपी माइनस कॉस्ट, स्टॉक का आईपी माइनस स्टॉक का कॉस्ट इज इक्वल टू आया लोडिंग, और ये स्टॉक के अंदर में लोडिंग घुसा पड़ा है बेटा, आ जाए लिखा हुआ है ना आपके पास में, वो स्टॉक के अंदर में लोडिंग घुसा पड़ा हुआ है, और स्टॉक आपने कहां लिखा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, स्टॉक आपने कहां लिखा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, चेक करो
उस स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट भी घुसा पड़ा है, वो प्रॉफिट हुआ क्या आपको अभी तक? प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए रिवर्स किया, प्रॉफिट अभी तक रियलाइज हुआ इसलिए रियलाइज किया। एक बच्चे ने बोला 37,500 कैसे आया, कौन सा 37,500 रे, ये तो कमीशन है, 5% ऑन टोटल सेल, टोटल सेल इतना था इसका 5% इतना आ गया। उसके बाद बोला है 25% ऑफ द सरप्लस, मैंने बोला था 120 में बेचना, उसने बेचा 125 में, 5 रुपए पर साड़ी ज्यादा कमाया, सरप्लस आया उस सरप्लस का 25%, तो ये दोनों की टोटल आ गई 37,500। डन डन, कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ कौन सा लास्ट वाला, वही तो बनाया, अरे देखना वही तो बनाया, ये बनाया ना मैंने, ये देख तूने भी बनाया मैंने भी बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट। डन ओके, और कोई मेरा प्यारा बच्चा? अब एक बच्चे ने बोला सर वो 5% जो रिड्यूस करने बोला है, ये मुन्ना ध्यान देना, owing to falling in market price, value of the stock of the sari in hand is required to be reduced by 5%. एक बच्चा देखो, देखो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अब क्या बोल रहा है वो, स्टॉक जो भी आपके पास में पड़ा है, स्टॉक कितना पड़ा है, स्टॉक ए बेटा टोटल था 10,000, 6,000 भेजा कंसाइनमेंट में, 4,000 कहा था हमारे दुकान में, 6 में से कितना बेच दिया उसने 5,000, 1,000 का जो स्टॉक पड़ा है इसकी कॉस्ट कितनी आई बेटा हमारी, वर्किंग नोट देख के बताओ, बताओ ना वर्किंग नोट देख के, कॉस्ट कॉस्ट 1,500,000, इसको 5% से रिड्यूस कर दो नेट, ये एक वर्किंग नोट, क्या बोले बेटा, अरे बोला है ना क्वेश्चन में रिड्यूस बाय 5%, तो रिड्यूस कर दो, नॉर्मल बिजनेस में जो भी माल रहेगा उसकी कॉस्ट 5% से कम, लास्ट वाला सेंटेंस बोला है ना, जो भी आ रही है उसकी कॉस्ट उसको 5% से रिड्यूस कर दो, कितना है 5,000, जो भी बच रहा है वो यहां लिख दो। देन ऑल सेट, हाँ बोलो बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट कोई शंका, एनीबडी प्लीज, थैंक यू। कौन सा 20 बेटा, कहाँ है 20, ये स्टॉक रिजर्व है ना, ये यहां से एक भूल गई कि इतना बड़ा वर्किंग नोट लिखा। डन, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।